सुभानअल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत और आसान अंदाज के साथ जनाब हाफिज़ मोहम्मद रज़वान कादरी साहब तलावत कलाम पाक से हमारे कुलूबा जहान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे थे। मालिक करीम की बारगाह में दुआ है कि इनका पढ़ना हम सब का सुनना अपनी बारगाह में शरफ कबूल फरमाएं। आमीन कह छोड़ो। दुआ है कि मालिक करीम आलम सलाम के बच्चे बच्चे नो कुरान पाक का कारी बनाए, इन्हें तो भी आमीन कह छोड़ो। हाँ, तो साढ़े जितने सनाख नजरात तशरीफ लैके आए ने जनाब, इंशाल्लाह मिंबर का हुसन बनते पैण इंशाल्लाह। जवें जवें इंशाल्लाह सनाख नजरात तशरीफ ले आएंगे उवें उवें इंशाल्लाह तुहाडे सामने हाजिरी पेश करते जाएंगे। जिहड़े अहबाब खड़े ने, खड़े ना हो, अगर इंतजामिया वाले हो तो मेरे भाई हसनैन के मेहमान हो तो मिंबर से तशरीफ लैके आओ। कर साहब मिंबर से आओ, तुम स्टेज से तशरीफ लैके आओ। अगर पिंड विचों अहबाब ने तो मेरा भाई थले बैठ जाए, ठीक है जी, क्योंकि एक माहौल पैदा किया गया तुहाडे वास्ते किया गया। अकली स्टेज तुहाडे वास्ते लगाया गया कि सरकार के दीवाने इतने आके बैठना है, ठीक है जी। हाँ कोई गल नहीं, बचे हो जाओ पीछे, कोई गल नहीं, व्डे कह रहे हैं तो मैं कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर सारे। कर साहब अगे आओ, कर साहब मेहरबानी, माजरत ना कर साहब, तुम कर दुआ साहब। सुभान अल्लाह, आए ऊपर आए, आपके शिगिर्दे खास किया शादी है। सुभान अल्लाह, हमारी खुशबख्ती हमारी खुश नसीबी अल्हम्दुलिल्लाह ताला भाई हसनैन साहब के उस्ताज़ कराम किबला तशरीफ़ लेके आए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ भाई हसनैन की तरफ से भी, उनके वालद मोहतरम की तरफ से भी, और पूरी अंजुमन की तरफ से। इस वक्त हसनैन भाई हकदार हैं, तुसी हो कि शादी तुहाडी है। हाँ इस वजह तो है। सुभान अल्लाह जी, इन्होंने सुनने लगेगा माशाल्लाह। लो जी, जेड़ा बंदा राजी बैठा है वो बंदा सुभान अल्लाह फरमाए। हाँ एक बार होर बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये तो बच्चियां बोलिया, वड्डे भी बोलन जरा सुभान अल्लाह, क्या बात है। लो जी, कारी साहब ने क्या खूबसूरत अंदाज के नाल कुरान पाक पढ़िया, तो मेरे जहन के अंदर एक शेर आया है, अगर तुम सुभान अल्लाह फरमाओ तो दे देवां। हाँ, लो जी, शायर कहता है कि कुरान वर्गी किताब कोई नहीं। हाँ 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 हाँ, ओ बचे हो वड्डियां दा अदब करदे जी, करदे जी, ते वड्डे पिछे बैठे ने ते तुसी अगे बैठे हो, गल माड़ी है, घर नहीं जाना, थोड़ा जा पिछे जाना बस। हाँ सरकार दी महफिल तुस जैमें इत्थे बोले इत्थे जोर लांदे पए हो, उवें तुस आते हाँ थोड़ा उठो यार, अगर अदब कर दे जे, अदब कर दे जे, मैं और तुहानू कोई वास्ता नहीं पाया, अगर अदब कर दे जे। हाँ क्योंकि मैं खुद अदब वाला हूँ, बस अदब ही है अपने को। हाँ तो जो मौजूद अहबाब पिछे खड़े हुए ने आ जगह तुहाडे वास्ते खाली कराई, बहना मैं भी थले सी लेकिन साइया ड्यूटी इतने ला छड़ी है कि मैंने उत्ते बिठा छड़िया, नहीं तो बहना मैं भी इतने, मेरी औकात इतनी कि मैं इतने बैठा, नहीं तो मैंने जुत्तियों को भी जगह मिल जाती तो मैं उत्थे भी बह जाना, लेकिन साइया ने की औकात ही इन्नी कि बना छड़ी है, इन मेरा कोई कमाल नहीं, मैं कड़ा किसी चेयरमैन का पुत्र हाँ या एम पी एम एन का पुत्र हाँ, कमाल है तो जहरा दे बाबा का कमाल है, उन्होंने सीटा दिखा ने सारा, उन्होंने मुकाम दे छड़े हैं। हैं लोग जी, थोड़े अगे अपील की जाती, जेडे मंजियां उत्थे बैठे हो जनाब, अगर राजी हो तो सरकार इतने आ जाओ, अगर राजी हो तो इतने मैंबर इतने आ जाओ। आ स्टेज थोड़े वास्ते सोना लगया गया, छे फटिया का लगया गया, पहले चार असं क्या मेहमान साढ़े ज्यादा ने, छियां फटिया का करो, तो छे फटिया का थोड़े वास्ते सोना सजाया गया, तो सोहने सोहने लोग जने सरकार इतने तशरीफ लैके आ जाए। नाथ खान अपील, नाथ खान अगर अपील की जाती है, जितने भी सना खान अंदर बैठे ने उन्होंने बाहर लिया जाए ताकि मिंबर शरीफ का जो हुसन है उन्होंने बकायदा बरकरार किया जाए। लो जी, मैं शेर देना चाहना जनाब, इधर तवज्जो। शायर कहता है कि कुरान वर्गी किताब कोई नहीं। सुभान अल्लाह, कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, ते रहमतां दा हिसाब कोई नहीं। कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, ते रहमतां दा हिसाब कोई नहीं, नयाजी सारा जहान सोना है पर अरबी चन दा जवाब कोई नहीं। हाय हाय, नयाजी सारा जहान सोना है पर अरबी चन दा जवाब कोई नहीं, क्योंकि अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा गौसे जली बनता है, अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा दातली हजवेरी बनता है, अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा पीर अजमेरी बनता है, अम्मा
अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा गांव से जली बनता है, अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा मेहरे अली बनता है, अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा जमात अली बनता है, अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा मेरा सुल्ताने बाहू बनता है, अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा सुल्ताने बाहू बनता है, अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा ख्वाजा मुख्तियार काकी बनता है, अम्मा कुरान पढ़ के लोरी दे तो बेटा मेरा फरीदुद्दीन बनता है। अब देखता हूँ किसका हाथ कितना बुलंद होता है। हजरत अल मुख्तसर दुनिया कायनात की कोई भी माँ अपने बच्चे को कुरान पढ़ के लोरी दे, एक मुकाम है जब सैयदा कायनात मखदूमा कायनात जनाब फातिमा ज़हरा कुरान पाक की लोरी दे तो बेटा कभी इमाम हसन बनता है, कभी इमाम हुसैन बनता सुभान है। अल्लाह फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। जब सैयदा कायनात मखदूमा कायनात मेरे आका करीम की साहबजादी जनाब फातिमा ज़हरा कुरान की लोरी दे तो बेटा कभी सोना हसन बनता है तो कभी सोना हुसैन बनता है। बस कुरान वर्गी किताब कोई नहीं तो रहमतां दा हिसाब कोई नहीं, नयाजी सारा जहान सोना है पर अरबी चढ़दा जवाब कोई नहीं। चिश्ती कादरी सौन क्या ही कमाल सौने जनाब, अल्लाह सलामत रखे ने साढ़े पढ़ाई पढ़ाने अदनान भाई तो जितने सनाख नजरात तशरीफ लैके आ रहे हैं मेरे सिरां दे ताज ने, ए दो दो मिनट की इंशाल्लाह मैं हाजरी पेश करनी है क्योंकि इंशाल्लाह सनाख खान मैं तां स्टेज तो सारे बुलाए ने, नहीं तो एक दी वारी पढ़ता होना तो दूसरा अंदर बैठा होना यह लिहाज हुंदा है, लेकिन मैं सारे तां बुलाए ने कि दो दो मिनट पढ़ के मैं इंशाल्लाह सारे सनाखान ने जल्द जल्द इंशाल्लाह ताड़ी समात की नज़र करना है। मुझे अजले अगले हसीन सनाखान भाई मोहम्मद हाफिज शराफत अली साहब हाँ किबला तशरीफ लैके आएंगे जी। असूल स्वाबत इकबाल फरमाओ नारा तकबीर नहीं यहाँ तो गल नहीं ना यार नाराज़ हो गए इतनी देर के अंदर, जो बंदा राजी बैठा यार वो बंदा बोले नारा तकबीर सुभान बिस्मिल्लाह जी नारा रिसालत सारे बोलो जरा नारा रिसालत। फ्रांस आलियां नूं फ्रांस आलियां नूं फ्रांस आलियां नूं जिहड़ी चीज़ गलत लगती ना गंदी लगती है उस सुनिया का जज्बा लगता है कि सुनिया को ईमान बड़ा है तो ईमान क्यों है क्योंकि असीं सरकार का नारा गज वज के लाते हैं बस सरकार के वसीले के ना साढ़े को इतनी ताकत है तो जिहड़ा बंदा कहिंदा है कि सरकार के सदके नाल ही मैंने रब ने इज्जत दित्तियां ने वह बंदा बोलेगा साइयां का नाम नारा रिसालत। हाथ उठा के जरा नारा रिसालत। इत्थे बठाण वाला ज़हरा दा बाबा है अगर सरकार वास्ते